नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक मोदी जी की बहुत पुरानी लाइन है 2014 की, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, दिल्ली पहुंचना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस लाइन को इतनी बार हम लोग बोल चुके हैं, आप लोग सुन चुके हैं, कि इसको बोलने में भी जो है वो उबाऊ लगता है कि किसकी बात हम कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बोलने में भी अब उबाऊ लगने लगता है। लेकिन आप देखिए कि पेट्रोल ने शतक मार दिया है। अब तक तो सचिन तेंदुलकर, सहवाग और धोनी, विराट कोहली, इनके शतक की चर्चा होती थी, लेकिन अब पेट्रोल की शतक लग गया है। लेकिन मजाल कोई गोदी मीडिया का चैनल इस पर चर्चा कर ले, मजाल कोई गोदी मीडिया के एंकर जो है वो बीजेपी के प्रवक्ताओं को इसके ऊपर घेरने का काम करे। कहीं पर कोई शोर शराबा नहीं है, कहीं पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, पेट्रोल ने शतक मार लिया है। 100 के पार पेट्रोल, अब की बार 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 100 के पार। लेकिन कहीं पर कुछ हल्ला गुल्ला नहीं है। और यही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपको सुनवाते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बल्कि उस वक्त में, कांग्रेस के समय में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो डीजल पेट्रोल का दाम था वो $100 प्रति बैरल से ज्यादा था, और आज वो $50 प्रति बैरल के आसपास है, आधा हो गया है। तब डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो 100 के करीब पहुंच गए हैं, कई शहरों में 100 पार कर गए हैं, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। एक बार खुद से सुनिए और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण आज बीजेपी का कोई नेता, प्रधानमंत्री खुद से नहीं सुन पाएंगे। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके तो दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है, और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां को लाकर के रख दो, वहां को लाकर के रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। और अकेले पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है, सिलेंडर के दाम भी एक रात में 50 रुपए बढ़ गए हैं, एक रात में 5-10 रुपए नहीं, 50 रुपए। और सबसे अचरज की बात यह है कि पिछले 10-12 दिनों में 75 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही। स्मृति ईरानी जो है वो किस तरह से 50 रुपए जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, 10 रुपए बढ़ते थे, तो किस तरह से प्रदर्शन करती थी वो सबके सामने है। लेकिन अब स्मृति ईरानी जो है वो कुछ नहीं बोल रही है। स्मृति ईरानी का ट्वीट आप देख लीजिए, 24 जून 2011 का ट्वीट है, और 50 रुपए जो है वो डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो LPG के दाम उस वक्त में बढ़े थे, और तब जो है इन्होंने मनमोहन की सरकार को चूड़ियां भेजने का काम किया था। और आज देखिए क्या हालत हो गई है, लेकिन स्मृति ईरानी के मुंह पर टेप लगी हुई है, आप खुद से देखिए। आज देश के तहत जो है वो घर घर में फ्री में सिलेंडर बांटे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो फ्री में सिलेंडर किस लिए बांटे गए थे। वो फ्री में सिलेंडर तब बांटे गए थे, लेकिन अब उनमें महंगी गैस डाल डाल करके जो है उनकी कीमत वसूली जा रही है। और इसको आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर मान लो 1000 सिलेंडर में अगर 5 रुपए बढ़ते हैं तो उनका क्या जो है पैसा इकट्ठा होगा, और 1,00,000 सिलेंडर अगर हो जाए देश में और उन पर जो है 50 रुपए बढ़े तो फिर कितना पैसा इकट्ठा होगा। ये एक तरह से दाना डाल करके जो है वो देश की जनता को जो है वो जाल में फंसाने का काम किया है, ये सीधे सीधे नजर आ रहा है। आप आंकड़ों को देखिए, आप जो है पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है उसको देखिए, और सब कुछ जो है वो आपके सामने पानी की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन बाबा रामदेव या लाला रामदेव या ठग रामदेव, बहुत सारे लोग उनको ठग भी कहते हैं, ये बाबा रामदेव का ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट है 9 अगस्त 2012 का, और इसमें कह रहे हैं कि काला धन वापिस आ जाए तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिलेगा। और यही बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू दिखाते हैं, NDTV को दिया एक इंटरव्यू है,
जिसमें वो कह रहे थे कि अगर उनको पेट्रोल बेचने को और मिल जाए तो पेट्रोल 35 से 40 रुपए कर देंगे। यानी पहले जब इस सरकार में थे नहीं, यानी सरकार के समर्थन से बाहर थे, तब जो है तब ये कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाए, बस 30 रुपए पेट्रोल मिल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को पेट्रोल बेचने दो, मैं 35 से 40 रुपए दे दूंगा। लेकिन देश समझ रहा है कि इनकी असली मानसिकता क्या है और इनके पीछे की मंशा क्या है, आप खुद से देखिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि महंगाई तो बढ़ती ही है, डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ते ही हैं, सरकार के हाथ में होता तो सरकार शायद कम कर ही देती। बहुत सारे लोग जो हैं या मोदी सरकार के जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, वो एक तर्क देते होंगे। लेकिन ये तर्क जो है वो कैसे खारिज हो जाता है, ये अपने आप में देखिए। ये बीबीसी की खबर है और इसमें जो है वो बताया गया कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उनका पैसा निर्धारित होता है। इसमें एक तरफ पेट्रोल है, एक तरफ डीजल है और मूल कीमत जो है वो दिखाई गई है। दिल्ली का जो है ये समझाया गया कि दिल्ली का गणित क्या है, ये दिल्ली का बताया गया है और ऐसे ही जो है वो हर शहर में होता है। इसमें मूल कीमत जो है, जो बाहर से पेट्रोल डीजल आ रहा है, उसकी कीमत जो है वो पेट्रोल पड़ रहा है 31.82 रुपए में, डीजल पड़ता है 33.46 रुपए में, यानी 32 रुपए पेट्रोल पड़ता है बाहर से आता तब, और करीब 34 रुपए मान लीजिए डीजल पड़ता है। उस पर भाड़ा करीब 28 पैसे जो है वो पेट्रोल पर है, 25 पैसे डीजल पर है। एक्साइज ड्यूटी जो है, जो केंद्र सरकार लेती है, मोदी सरकार, एक्साइज ड्यूटी है इसमें 32.90 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 31.80 रुपए, यानी करीब 33 रुपए जो है वो पेट्रोल में और 32 रुपए जो है वो डीजल में मोदी सरकार लेती है हर आदमी से। जब आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो मोदी सरकार को 33 रुपए देते हैं। सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि मैं अगर किसी कोई पेन बेचने वाला है, 5 रुपए का पेन है और उसको 10 रुपए दे रहा हूं, तो आप उस दुकानदार से लड़ पड़ेंगे, उसका कॉलर पकड़ लेंगे कि 5 रुपए का पेन 10 रुपए में कैसे बेच रहे हो। लेकिन ये देखिए 30 रुपए का पेट्रोल और 30 रुपए है जो है मोदी सरकार को दे रहे हैं। और मोदी सरकार को भी छोड़ दीजिए, मोदी सरकार तो बल्कि बड़ी जो है उसमें हिस्सेदार है, लेकिन राज्य सरकारें भी जो हैं वो राज्य सरकारें भी इसमें वैट वसूल करती हैं। और दिल्ली में जो है, दिल्ली सरकार जो है इस पर 20.61 रुपए वो पेट्रोल पर दिल्ली सरकार वसूलती है और 11.68 रुपए डीजल पर वसूलती है दिल्ली सरकार। और डीलर का जो कमीशन होता है, डीलर जिस पंप से आप खरीद रहे हैं, जिस कंपनी से आप खरीद रहे हैं, डीलर का कमीशन है 3.68 रुपए 2.51 रुपए डीजल पर। और अब यही कीमत जो है 32 रुपए के करीब का जो पेट्रोल है वो आपको मिल रहा है 90 रुपए में, और वहीं पर डीजल जो है वो 34 रुपए का डीजल लगभग वो आपको मिल रहा है 80 रुपए में। तो करीब करीब जो है ये 54-55 से फालतू का जो पैसा है ये केवल राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ले रही है। अगर इस सारे बीच के हिस्से को जो है वो काट दिया जाए, भाड़ा तो लगेगा ही, डीलर का जो कमीशन है वो चलिए उसको आधा मान लीजिए, लेकिन उसके बाद में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरह से मोटा पैसा जो है वो लोगों से वसूल करने का काम कर रही है, ये सब आपके सामने है। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी जो है लोगों से जुड़ी हुई चीज, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर, ये लोगों की आम जीवन दिनचर्या का जो है वो अब हिस्सा बन गया है, रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीज हो गई है। हर कोई जो है वो बाइक चलाता ही है, बाइक ना चलाए तो भी जो है जो उसके घर में फल सब्जी आ रही है वो बढ़ जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। जो खाना खाने के लिए किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाएगा तो उसको बिल का वहां पर दाम बढ़ जाएगा, घर में सिलेंडर बढ़तेगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी समस्या को लेकर भी मीडिया के एक तबके में जो है वो कहीं पर भी कोई आवाज नहीं उठ रही। पूरी की पूरी गोदी मीडिया की जितनी भी अप्सराएं हैं वो सारी मौन धारण किए हुए हैं। गलती किसकी? गलती नेहरू की है, नरेंद्र मोदी की नहीं है। अगर कहीं पर कोई चर्चा भी होगी तो नेहरू के ऊपर चर्चा होगी, हद करते हैं। अब भी देखिए, अगर देश के लोग नहीं संभल रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। आपको क्या लगता है, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।